व्यक्ति जिसने विदेश में रहने वाले भारतीयों को देश की आजादी की लड़ाई में योगदान के लिए प्रेरित किया। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना कर प्रवासी भारतीयों के बीच देशभक्ति की भावना जागृत की और विदेश में रहकर वे ब्रिटिश हुकूमत के नाक में दम करके रखा। देश में होने वाले हर क्रांतिकारी गतिविधि में ब्रिटिश सरकार उनका हाथ मानती थी। उनके सरल जीवन और बौद्धिक कौशल ने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए कनाडा और अमेरिका के रहने वाले कई प्रवासी भारतीयों को प्रेरित किया। ऐसा महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कोई और नहीं, हरदयाल माथुर थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। लाला हरदयाल का जन्म 14 अक्टूबर 1884 को दिल्ली में हुआ था। उर्दू तथा फारसी के पंडित पिता गोरी दयाल माथुर दिल्ली के जिला न्यायालय में रीडर थे, तो माँ भोली रानी अत्यंत धार्मिक महिला थी। बालक हरदयाल ने व्यक्तित्व निर्माण में उनकी माँ का बहुत योगदान रहा, जिसके बाद उन्होंने अपने बेटे को विद्वानसनी बना दिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कैम्ब्रिज मिशन स्कूल से हुई। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से संस्कृत में स्नातक किया और पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से संस्कृत में एमए किया। इस परीक्षा में उन्हें इतने अंक प्राप्त हुए कि सरकार की ओर से उन्हें 200 पॉइंट की छात्रवृत्ति दी गई। हरदयाल उस छात्रवृत्ति के सहारे आगे पढ़ने के लिए लंदन चले गए और साल 1905 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। लंदन जाने के पहले ही लाला हरदयाल के अंदर क्रांतिकारी बीज अंकुरित हो चुका था। वह मास्टर अमीर चंद के गुप्त क्रांतिकारी संस्था के सदस्य बन चुके थे। कुछ दिन बाद ही वह स्वदेश वापस आ गए। भारत लौटकर सबसे पहले पुणे जाकर वह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से मिले, लेकिन साल 1908 में देश भर में सरकारी दमन चला। लाला राजपत राय की सलाह पर वह पेरिस चले गए और वहीं रहकर जनेवा से निकलने वाली मानसिक पत्रिका वंदे मातरम का संपादन करने लगे। लाला हरदयाल ने पेरिस को अपना प्रचार केंद्र बनाना चाहा, लेकिन वहां पर उनके लिए खाने का प्रबंध प्रवासी भारतीय देशभक्त नहीं कर सके और वह विवश होकर साल 1910 में अल्जीरिया गए। साल 1912 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हिंदू दर्शन और संस्कृति के ऑनरेरी प्रोफेसर नियुक्त हुए। वहीं रहते हुए अपनी गदर पत्रिका निकालनी शुरू की। लाला जी को साल 1927 में भारत लाने के सारे प्रयास जब असफल हो गए, तो उन्होंने इंग्लैंड में ही रहने का मन बनाया। तत्कालीन ब्रिटिश भारत की सरकार ने उन्हें साल 1938 में हिंदुस्तान लौटने की अनुमति दे दी। अनुमति मिलते ही उन्होंने स्वदेश लौटकर जीवन को देशोत्थान में लगाने का निश्चय किया। लाला हरदयाल का निधन 4 मार्च 1938 को फिलाडेल्फिया में हुआ था, लेकिन उन्होंने लाखों दिलों में अपनी जगह बनाई। लाला हरदयाल ने मानवता, देशभक्ति, धर्म आदि कई विषयों को उठाया। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 4 मार्च की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन 1933 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। साल 1951 में नई दिल्ली में पहले एशियाई खेलों का आयोजन हुआ। साथ ही साल 1961 में भारत के पहले विमानवाहक पोत INS विक्रांत ने सेना के लिए अपनी सेवाएं देना शुरू किया। साल 1989 में टाइम और वार्नर कम्युनिकेशन के अपने मेजर प्लान का ऐलान किया। आज के दिन 2011 में कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह का निधन हुआ। साथ ही साल 2012 में 4 साल तक प्रधानमंत्री के रूप में काम करने के बाद व्लादिमीर पुतिन तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।